इस नाम की इतनी ज़्यादा तारीफ करो इतनी कम है। इस नाम को खाते खाते बड़े हुए हैं। नान वाले का नाम है विजय नान वाला। अब वो शाहपुर रोड से ये सुहानी बिल्डिंग चौक पे आ गए हैं, मेन दुकान ले ली उन्होंने। लेकिन वो टेस्ट जो ये दे रहे हैं हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत लाजवाब टेस्ट है। इन्ना को टेस्टी नान है ना, इन्ना को ज़्यादा। मेरे को लगभग 20-25 साल हो गए हैं और बहुत ऐसा मैंने कभी नहीं खाता। अभी जब भूख लगती है तब यहीं पे आ जाते हैं और पैकिंग भी लेके जाते हैं और वेटिंग में मिलता है जो मिलता है। लेकिन इनका जो क्वालिटी है, क्वालिटी सिस्टम नंबर वन। भाई नान चेक करो कितनी स्पीड पे लग रहे हैं इधर, मतलब इतनी कि ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है ना कि एक एक सेकंड के लिए क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। अभी नान पे आप देख रहे हो गाजर लगी हुई है, और उधर उस साइड तंदूर में नान लग रहे हैं फटाफट। इधर भैया नान को क्या कहते हैं फ्लैट कर रहे हैं नान की पिच बना के ना, बिल्कुल स्टफिंग हो रही है नान में, पूरा स्पीड में काम हो रहा है यार, पूरा स्पीड में। नो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी एंड गोल बनी और जो है ना कि वतीरा है बोलने का बहुत बढ़िया। ये प्लेट लग रही है जी हमारी चटनी ग्रीन किश्ती दी भैया, ये किश्ती दी चटनी है, दही और पुदीना ही है ना, धनिया पुदीना, दही धनिया पुदीना की चटनी है यार। प्लेटिंग भी बहुत स्पीड से हो रही है यार, टेस्ट का ना आप यहीं से जजमेंट लगा सकते हो यहाँ का रश देख के। ये जो लोग हैं लुधियाना के कितना पसंद करते हैं इस नान को। दो प्लेट कर दो ही लगाओ, प्लेट दो करवा ली उन्हें, नान उन्हें तीन तरह के लगवा लिए। ये सब्जी साड़ी लगनी है सर, कोफ्ता सर, ये छोले चेक करो यार, पहले छोले डल रहे हैं। ये स्पेशल छोले नान, नॉर्मल नान के साथ छोले मिलते हैं और जो स्पेशल नान है उसके साथ आपको मिलेगा कोफ्ता, और एक कोफ्ता आ गया सर। वाह वाह, कोफ्ता थोड़ा ऊपर चेक करा कार्तिक दिखा के। कोफ्ता सर किस चीज़ का होता अपना, खोए का कोफ्ता, एक खोया का कोफ्ता यार। सही है, थोड़ा स्लो आज ना, नान तो है ही स्पेशल यार, जो रिव्यू होने वाला ना वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि रश थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से ना बिल्कुल भैया के पास ही खड़के, जिन्होंने हमें नान बना के दिए हैं बिल्कुल उनके उनके पास खड़के ही हम टेस्ट करने लगे हैं। तो ये है स्पेशल नान, ड्राई फ्रूट नान भी बोलते हैं इसको, और ये आगे गोभी नान और आलू नान। इसमें थोड़ी स्टफिंग चेक कर लो आप, स्टफिंग में ये किशमिश आ गई, साथ में अंदर काजू भी है। ये ड्राई फ्रूट नान है, इससे ही आपको पता लग जाएगा ये नान ड्राई फ्रूट वाला। तो सर्दियों में वैसे ही ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। तो चेक करो आप, बहुत ही यूनिक ना, बहुत ही ज्यादा यूनिक और जबरदस्त फ्लेवर है इसका। जो चने हैं वो अपना एक अलग मसाले का फ्लेवर देंगे, और जो नान है उसमें किशमिश की वजह से ना स्वीट फ्लेवर भी आएगा साथ थोड़ा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक, तो जो रश आप देख रहे हो ना वो मेरे को समझा रहा है किस चीज़ का है। कोफ्ता दिखाओ भाई, ये कोफ्ता चेक करो आप, अंदर से ऐसा खोए का कोफ्ता, केले कोफ्ते के साथ खा के देखते हैं।
मेजर हाइलाइट ना इसके साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा कोफ्ता, और बड़ा एक यूनिक सा, मैंने ऐसा फ्लेवर कभी खाया नहीं है पहले, बड़ा ही जबरदस्त चीज है। मतलब प्लेन करने टाइम ही है नहीं यार, इतना को टेस्टी ना है ना, इतना को ज्यादा मक्खन जमा ही मक्खन।